सो हे गाइस, किदम फिर वधिया सारे, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से मैं आया हूँ पठानकोट में, और यहाँ पे आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वाला ट्रक लेके आए हैं। तो ट्रक ऐसा है कि आपने तो आर्मी में बहुत पहले आया करता था, तब से लेके अब तक तो देखा नहीं होगा, क्योंकि जो भी मेरी जनरेशन के होंगे उनको तो शायद ही पता हो, बाकी जो मेरे से बड़े होंगे उनको फिर भी पता हो सकता है इसके बारे में। तो आज कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए लाए हैं जो कि बिल्कुल यूनिक रहने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। बाकी चलिए, बाकी वीडियो में ही आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये है फिलहाल क्राज, तो 6x6 ट्रक आता है। तो गाइस फिलहाल आपको जो है एक वॉक अराउंड दे देता हूँ पूरे ट्रक का। बाकी ट्रक की अगर मैं बात करूँ ना, हाइट भी बहुत ज़्यादा है, प्लस लेंथ भी बहुत बड़ी है, और उसके साथ साथ जो इसका वेट रेशियो है वो तो मतलब कि अनमैचिंग है। तो इसके लेवल का कोई भी इंडिया में ऐसा ट्रक नहीं होगा जो इसके वेट, हाइट एंड लेंथ के मुकाबले से कंपेयर कर सके। सबसे पहले तो आप इसका कैबिन ही चेक करोगे, कितना बड़ा कैबिन आपको स्पेस यहाँ पे मिलता है। तो इतने में तो मोस्टली आपका जो है एक लोडर वाला जो ट्रक आता है, ट्राली वाला, वो ख़त्म हो जाता है जितना इसका कैबिन है। तो ये पूरा चेक करो, तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ यहाँ पर आज लेके आए हैं। और ऊपर से 6x6 वाली गाड़ी है ये, तो 4x4 तो काफ़ी सारी आपने देखी हैं और सुनी भी हैं, बट 6x6 एक बिल्कुल यूनिक चीज़ है इंडिया के लिए खासकर। तो ये चीज़ आपको आज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एंड पूरे ट्रक को आप जो है यहाँ पे फुल सराउंडिंग में एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड एक और ख़ास बात की बैक साइड में इसके जो है विंच प्लेट भी यहाँ पर लगी हुई है, और ये विंच कोई आम मामूली विंच नहीं है, हैवी ड्यूटी विंच है यहाँ पर, जो कि बड़ी से बड़ी हैवी व्हीकल को भी खींच सकता है। तो टायर की अगर मैं बात करूँ, टायर तो बस इतने बड़े हैं कि इस प्रोफाइल के टायर आपको शायद इंडिया में कहीं देखने को मिले। तो ये टायर भी स्पेशली रशियन इंपोर्टेड ही आपको यहाँ पे ये मिलेंगे। वो कैसे, आपको मैं प्रॉपर जो है इस टायर की एक बार राइटिंग्स यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। तो ये प्रॉपर यहाँ पे रशियन में लिखा हुआ है, ये आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो गाड़ी तो वैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो आगे से भी अगर आप लोग इसे चेकआउट करेंगे तो इतना बड़ा यहाँ पे आपको इसका इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में मैं जो है ऑनलाइन पढ़ के यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जो भी रहेंगी, बाकी यहाँ पे आप प्रॉपर चेकआउट कर ही सकते हैं क्या है ये गाड़ी, किस हिसाब की है। एंड फ्रंट में भी यहाँ पर आपको प्रॉपर टोइंग हुक वगैरह जैसा आर्मी का रहता है वैसा ही सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कि रही बात कि अगर इसे आप ले भी लेते हैं, तो अगर इसकी कोई चीज़ आपको जो है कुछ भी पार्ट एक्स्ट्रा डलवाना होगा तो वो स्पेशली रशिया से ही इम्पोर्ट होगा, और जिस हिसाब का ये पुराना मॉडल है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके पार्ट्स जो हैं मिलते भी नहीं होंगे इस समय, ऐसे चांस हो सकते हैं। तो इसीलिए ना किसी के लिए लेके फ़ायदा है अगर कोई खासकर चलाने के पर्पज़ के हिसाब से लेता है, तो बाकी तो जो वैल्यू है वो तो मेनली इसके लोहे की बची हुई है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 4x4 कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है। एंड इवन की जो अंदर से चलाने का कैबिन का सिस्टम है वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला है, तो इंडिया में तो आप सोच ही लोगी मतलब किसी काम का भी नहीं है ये चीज़। तो बट स्टिल आप लोगों के लिए एक यूनिक चीज़ है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आर्मी में बहुत कम देखने को मिली है। तो मैंने तो आज तक आर्मी में कभी देखी नहीं, ऐसा मिलता जुलता ट्रक जो है मैंने एयरफोर्स में देखा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, कुछ यूनिक चीज़ है। तो ये आप प्रॉपर साइड से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार हम जो है इसके कैबिन की ओर भी चलते हैं और प्रॉपरली आपको इंटीरियर वाइज भी इसको चेकआउट करवाते हैं। तो फिलहाल चढ़ना भी कोई आसान नहीं है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी कहने की बात नहीं है। तो बिल्कुल ओरिजिनल पीस है, फुल एंटीक। तो क्लोजली आप लोगों को जो है यहाँ पे मैं चेकआउट करवा देता हूँ। तो ये कुछ आपको इसके डोर हैंडल्स वगैरह प्रॉपर जो है यहाँ पे डोर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड पूरा मेटल है, पूरा लोहा है भाई, कुछ भी नहीं है लोहे से कम इसमें। ये कुछ स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड वगैरह इसका आता था। एंड ये आप गियरिंग वगैरह पर आप प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 5 गियर वाला सिस्टम इसमें आपको मिलता है। हैंड ब्रेक, 4x4 गियर प्रॉपर यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। ये कुछ सीट्स वगैरह हैं इसकी, एंड कैबिन स्पेस तो बहुत ज़्यादा ऑसम है। बाकी अंदर से बैठे हुए को बोनेट आप चेक करो कि कितना दूर तक इसका फैला हुआ है, तो उससे लगा लोगी आप कि आगे जो है अंदाज़ा लगाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है इस ट्रक में बैठ के अगर कोई चलाता है इससे। तो ये कुछ कैबिन स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर बैक साइड की बात करूँ तो ये कुछ आपको जो है बैक साइड यहाँ देखने को मिल जाती है, एंड ये कुछ सेंटर स्पेस है यहाँ पे। बाकी आप चाहें तो इसके आगे जो है इंजन वाली साइड पे भी इजीली यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि पूरा ही लोहा वाली आइटम है ये, तो इसको कुछ भी नहीं होना है। और फेंडर चेक करो, कितना ज़्यादा बड़ा फेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो ये कुछ आपको बोनेट वगैरह मिल जाता है। बाकी इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको जो है मैं प्रॉपर यहाँ पे नीचे लिख के बता दूंगा कि क्या कुछ रहती हैं इसके इंजन की स्पेसिफिकेशंस वगैरह। तो गाइज ये है एक यूनिक पीस आर्मी स्टॉक की ओर से जो मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करवाई। बॉटम से भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप प्रॉपर कि कितनी बड़ी शार्ट्स वगैरह इसको यहाँ पे लगी हुई हैं। तो प्रॉपर 6x6 ट्रक रहता है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा कैपेबल है ऑफ रोडिंग पर्पजेस के हिसाब से। तो बाकी बात रही तो ऑन सेल पे वैसे तो आइटम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर इस चीज को कोई लेता भी है तो शो पीस पर्पज के हिसाब से, जैसे शिवम भैया ने बताया, तो उसी के लिए ले सकता है ना। तो ये चलती है चीज़, और अगर इसको चलाना भी पड़ेगा आपको तो काफ़ी ज़्यादा इस पर खर्चा होगा, और रशियन पार्ट्स ही इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ लगेंगे, और मैकेनिक भी स्पेशल चाहिए इसको फिर जो फिटिंग करने वाला। तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है, तो कोई भी इसे जो है आई डोंट थिंक कि प्रेफर करेगा कि कोई इस पर पैसा खर्च के चलाए, और रोड लीगल भी नहीं है ये चीज़, तो किसी के लिए भी कोई किसी भी वे में बेनिफिशियल नहीं है। तो एट द एंड इसका जो एक ही हल है वो है कि इसे काट कूट के लोहे का इसका बेनिफिट उठाया जाए, और कोई भी पार्ट जो है इंडियन ट्रक्स के हिसाब से नहीं यूज़ हो सकता इसका। तो ये चीज़ थी, बाकी आई होप कि आप लोगों को ये जो है ट्रक वगैरह देखने में मज़ा आया होगा। स्पेशली आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है क्रास ट्रक के ऊपर, जो कि एक बहुत ही यूनिक पीस है आर्मी के ट्रक्स की ओर से, आर्मी स्टॉक की ओर से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, बाकी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आगे भी जो है इन फ्यूचर में काफ़ी सारी आर्मी स्टॉक के ट्रक्स के रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं, तो बने रहिए चैनल पे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है बुलेट बाइक्स के ऊपर, तो जो पुरानी आर्मी स्टॉक की रॉयल एनफील्ड बुलेट्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू टुमारो। Mercedes are just imitating, so want the real slim.